हेलो एंड वेलकम टू माय एचटीएमएल ट्यूटोरियल तो इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एस टी एम एल डिटेल्स एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द एडिशनल डिटेल्स ऑन द वेब पेज दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड ऑन डिमांड एचटीएमएल में डिटेल्स एलिमेंट की मदद से हम अपने वेब पेज पर किसी इंफॉर्मेशन या फिर किसी डिटेल को डिस्प्ले करवा सकते हैं एंड उसे अपने अकॉर्डिंग जब चाहे हाइड कर सकते हैं एंड व्यू कर सकते हैं द डिटेल एलिमेंट रैप ऑल द कंटेंट विच वी वॉन्ट टू शो और हाइड हमारे डिटेल एलिमेंट में वो सारा कंटेंट होता है जिसे हम दिखा जिसे अगर यूजर चाहे तो देख भी सकता है एंड हम उसे हाइड भी कर सकते हैं इट इज़ यूज टुगेदर विद अ रिलेवेंट टैग समरी एलिमेंट डिटेल्स एलिमेंट के साथ हम एक चाइल्ड एलिमेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं समरी एलिमेंट बेसिकली अगर कहा जाए तो डिटेल्स टैग को हम समरी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए एंड अपने इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए अब हम जानते हैं हम समरी एलिमेंट को डिटेल्स एलिमेंट के अंदर क्यों लगाते हैं The HTML summary element is यूज detail element. It is used as a summary, caption or legend for the content of a details element. Details डिटेल्स एलिमेंट के अंदर ही हम समरी एलिमेंट को नेक्स्ट करके लगाते हैं एंड समरी एलिमेंट हमें हमने जो डिटेल्स अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराई है उसके कैप्शन को शो कराने के लिए यूज किया जाता है द समरी एलिमेंट इज न्यू एंड इंट्रोड्यूस्ड इन एसटीएमएल फाइव समरी एलिमेंट को एसटीएमएल फाइव में इंट्रोड्यूस किया गया है तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट किस तरह से वर्क करते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना वी एस कोड ओपन कर लिया है अब मैं यहाँ पर डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट के थ्रू अलग अलग आइटम्स या फिर अलग अलग फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे शो करवाता हूँ तो मैं डिटेल्स एलिमेंट लिखता हूँ डिटेल्स एंड उसके अंदर हम समरी एलिमेंट का यूज़ करते हैं एलिमेंट एंड जैसे मुझे एक चाहिए यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड uh, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हम एक पैराग्राफ्ट लेते हैं एंड इसमें लॉर एम पास कर लेते हैं इसके अलावा मैं दो तीन इन्फॉर्मेशन और कर लेता हूँ एक में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ मैं एक में मैं, मैं यहाँ पर मैं शॉप की इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ एक एंड एक कोई और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के चार अलग अलग तरीके के कैप्शन या हेडिंग्स कह सकते हैं आप वो सारी आ चुकी है और वो कौन सी आ रही है किस एलिमेंट की आ रही है वो समरी एलिमेंट की आ रही है तो आप लोगों को पता चलेगा वो समरी एलिमेंट तो को क्यों यूज़ करते हैं अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा तो हमें जो इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी एक्सपेंड हो जाएगा तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ये आ रही थी वो हमें डिस्प्ले होने लग जाएगी उसी तरीके से हम इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं एंड इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं है. तो यहाँ पर इस तरीके से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट के थ्रू अपने वेब पेज पर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं इसे एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे वेब पेज पर पे अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो एक तो स्पेसिफाई भी हो जाएगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड पैराग्राफ है एंड उसके अंदर अगर हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम कोलेप्स भी कर लेंगे एक्सपेंड भी कर लेंगे तो इस तरीके से हम डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट के थ्रू अपने वेब पेज पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लर्न टू अन डॉट कॉम स्लैश डॉट पी एच पी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू